तो आज हम लोग आए हैं एक नए प्रोडक्ट के साथ। हालांकि ये प्रोडक्ट नया नहीं है, पुराना ही है। यह है वो फुल एचडी प्रोजेक्टर जो आप लोग देखते हैं वेलिक्स पे एट बहुत टाइम। तो इस प्रोजेक्टर का खास बात यह है कि ये फुल एचडी प्रोजेक्टर है। कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ क्या आता है, यहाँ पे जो ऑडियो मतलब एवी जो इनपुट है या फिर साउंड 3.5 mm जो जैक होता है उसका जो आउटपुट होता है वो एक केबल फीड होता है इसके साथ, और एक एसी टू डीसी एडाप्टर 12 वोल्ट इसके लिए, और एक बेसिक सा रिमोट, और कुछ नहीं होता है इसके पैकेट पे। और इसके साथ कनेक्टिविटी आता है एक HDMI का, एक VGA का, और एक और दो आता है एक पेन ड्राइव के थ्रू, या फिर आप वहाँ पे आपका हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं, और एक आता है SD कार्ड। तो ये हो गई कुछ चीज़ें जो इसके साथ इनपुट की तरह इनपुट के हिसाब से आती है आता है जो भी हो। और यहाँ पे है एक एडजस्टेबल फोकस डिस्टेंस का लेंस, यहाँ पे है एक फोकस डिस्टेंस कैलिब्रेट करने के लिए एक लेंस जिसको आप घुमा घुमा के एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर कुछ बटन और नीचे दो है स्पीकर। तो ये बेसिकली है एक ऐसा प्रोजेक्टर जो कि फुल एचडी इनपुट लेता है लेकिन आउटपुट पे फुल एचडी नहीं लेता है। मतलब क्या होगा, आप फुल एचडी वीडियो प्ले कर रहे हैं लेकिन आउटपुट पे आपका आ रहा है VGA। ये कोई अच्छा डील नहीं है, लेकिन जिस प्राइस रेंज पे ये है इस पे आप कार्टून देख सकते हैं बहुत ही आराम से, बहुत ही कमाल का कार्टून का एक्सपीरियंस होगा। लेकिन कोई सिनेमा अगर आप देखना चाहते हैं या फिर कोई मैच आप देखना चाहते हैं जैसे कि फुटबॉल वॉलीबॉल बैट और क्रिकेट वो नहीं होता है, तो इसका क्लोज लुक आप इसका पैनल का पास से ले लीजिए तो अच्छा होगा। तो देख लीजिए, ये है वो बॉक्स वाला है, ये बॉक्स वाला है बॉक्स की तरफ से, और ये है इसका फ्रंट पैनल। और अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो कैप है, कैप ढक्कन हटाने के बाद एक लेंस, लेंस के भीतर बताया गया कि एक 20,000 इसका जो 20,000 इसका लाइफ है, लेकिन असल में यहाँ पे एक LED पैनल दिया है। और नीचे दो स्पीकर है, और साइड की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एडाप्टर का पोर्ट है, एक USB का पोर्ट है, और साइड अगर घुमाएं तो वहाँ पे कुछ SD का स्लॉट या फिर वो मोबाइल वाला USB का स्लॉट जिसके थ्रू आप 2 ampere का अगर पावर बैंक हो तो उसके थ्रू आप चार्ज कर सकते, मतलब इसको चला सकते हैं। इसके बाद आता है IR ब्लास्टर और HDMI पोर्ट, फिर है दो ठो पोर्ट, एक है ऑडियो के लिए और एक है AV के लिए, और बाद में आता है एक VGA इनपुट, और उसके नीचे शायद ये एग्जॉस्ट का भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो छोड़िए जो भी हो। तो बेसिकली बात वहीं पे अटकता है इसका परफॉर्मेंस कितना होगा। परफॉर्मेंस भाई फुल एचडी का परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगा, इस पे आपको VGA का परफॉर्मेंस मिलेगा। तो मेरी राय है अगर आप फुल एचडी कुछ देखना चाहते हैं तो ये प्रोजेक्टर मत लीजिए। आपके लिए मेरी सलाह होगी कि कोई इप्सन का प्रोडक्ट ले लीजिए, इप्सन का ना सही तो आप एक LED प्रोजेक्टर मत लीजिए, LCD प्रोजेक्टर लीजिए, क्योंकि LED प्रोजेक्टर जो पावर आउटपुट देता है मतलब विजिबिलिटी का जो आउटपुट है वो लो लाइट पे ही अच्छा होता है। और अभी के लिए इतना ही।